यंदानं नमो लुईसो सिदानं नमो लुईसो वायरियं नमो लुईसो जयानं नमो लुईसो त्रिकालवति सावनं ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंति योगिन कामद मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्र सुमंगल नम सुम स्वानुभूत्यास्ते स्वाय भवाय मोक्ष प्राप्त दसवीं गाथा बंद किसको होते हैं क्योंकि मोक्ष में बंद कहते हैं ना बंधन होता है वो मिथ्या से बंधन होता है उसको मुक्ति होती नहीं बहिरात्मा की बात चलती है दसवीं गाथा आगे कहें जो ऐसी मानते हैं पर मनुष्य आदि विषय मोह प्रवृत्ते स्वप दृष्टायणम देशु अविदित अपान सुविधा विषय मनुयान विमोह जैने जिसको देह विषय स्वप का दृष्टान निश्चय पास होता है अदृशा ये राजादी आत्मा है ऐसा जिसको अदृशा वर्तते हैं जो अपना तत्व विनायक तत्व है उसको है राज शरीर वाणी कुटुम्ब कबीला आदि सब वस्तु ये मेरा है और उसको ठीक हो तो मेरे ठीक और मैं उसकी संभाल कर सकता हूँ ऐसा दशा है दो द्रव को एक मानने का मिथ्या दशा है सपर का दशा कहीं निश्चय चाकरी मनुष्य ने सूत्रधारा भी जीवन से मोह प्रवर्ते अपना ज्ञानानंद स्वभाव उसकी जिसको अंतर दृष्टि नहीं अपना चैतन्य स्वभाव की खबर नहीं वो राग आदि शरीर को अपना माने तो शरीर स्त्री आदि कुटुम्ब में मोह प्रवृत्ति बिना रहे स्त्री कुटुम्ब ही मेरा है मैं उसका हूँ ऐसा अभ्यंतर में जीव में अजीव का अंश मिलाकर अथवा पर का अंश मिलाकर ऐसा मानते हैं कि मैं हूँ क्या देखने में आता है देखने में डाल तो नीचे आ गया है तुम्हारा आत्मा यहाँ है कहाँ से आया लड़का मेरा आया कहाँ से एम कहते जिसको स्वपर की एकता बुद्धि है उसको ऐसा आते हैं एम कहते हैं समझ में आया ये आत्मा भिन्न है उसका शरीर भी भिन्न है तुम्हारा शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है स्वपर दोषाय कहिए अपना और पर का एक रूप दोषाय है मिथ्या संज्ञा लिया है बात मुक्ति क्यों नहीं होती है कि मिथ्या के भाव कारण से उसको बंधन होता है पहली चीज हो बहिर अपना आनंद स्वरूप में वो चीज नहीं अशुभ शुभ राग शरीर स्त्री कुटुम्ब परिवार अपना आत्मा में नहीं उसको अपना मानते हैं उसको ठीक हो तो हमने ठीक पढ़े उसको ठीक हो तो हमने अठीक लगे ये सब स्वपर की एकता बुद्धि का मिथ्या दशा है प्रसंचित नहीं बिल्कुल मिथ्या है सम्यक दृष्टि को ये प्रश्न किया था कल गुरु कुमार सम्यक दृष्टि क्या लड़के को नहीं करवाते नजर नहीं करते हैं
ना वो समझाया था ना सत्व समझाया तू सूर्य मणो भैरथ थे सूर्य मणो एम आठमी गाथा उसकी तत्परता है सूक्ष्म बातें साधारण फेरमा पर मिथ्या कैसा है वो बताते हैं साधारण फेर समझते हैं मामूली जरा मामूली दिखते हैं पर उसमें मिथ्या से बड़ा अहम कहते हैं समझ में आया शरीर आश्रित क्रिया उपवासाली शरीर आश्रित क्रिया है उपदेशाली वाणी आश्रित क्रिया है समझ में आया और पर पदार्थ अपने से उसके कारण से रयान बदलते हैं तो ऐसे माने मेरे से ही वाणी होती है मेरे से शरीर में अपवास हुआ अपवास की क्रिया मेरे से हुई शरीर में ये सब पर को एकत्र मानने का दूसरा मिथ्या है तो किससे हुई है किससे हुई जड़ से जड़ की क्रिया होती है उसमें क्या आत्मा है आया अब बंधन की बात करते हैं बहिरात्मा सूक्ष्म विकल्प है वो भी बहिर चीज है ओ अपने मानते हैं उसको शरीर भी अपना मानते हैं आश्रम को अपना माना तो शरीर को अपना माना तो पर आत्मा पर शरीर को भी अपना माना उन्दे उन्दे उसकी मिठास रह जाती है मिठास समझते हैं मिठास क्या कहते हैं समझते नहीं ये है मिठास में क्या आते तुम्हारी हिंदी मिठास अंदर से प्रेम है अंदर से प्रेम है अंदर से प्रेम है मुंडे से प्रेम है माने भले हमारा के दिक्र हमारा नहीं जी परे जी परे आया ये सूतदारा भी जीव ने विषय मोह प्रवर्ते देखो जिसको अपना माने उसमें मोह प्रवृत्ति बिना रहे कैसे है मनुष्य अविदित कहीं ना जाना हर जी कहीं पदार्थ का घर आत्मा कहीं स्वरूप जिसने अविदित अर्था भगवान आत्मा क्या है उसके जाना नहीं शरीर वाणी आश्रम क्या है उसके जाना नवे तत्व जाना नहीं हम कहते हैं बराबर बहुत ऊंचा मार है वो मोक्ष मार्ग प्रकाश मारते हैं सात तत्व की भूल उसमें भी आते हैं उच्चाला में छठाला आता है ना सात सौ तो की भूल उसमें नौ सौ तो की भूल लिया वो यहाँ कहते अविदित अर्था जाना नहीं है पदार्थ जिसमें शरीर शरीर की पर्याय शरीर से होती है राग राग से होता है मैं गिनायक भिन्न हूँ ऐसा न जानकर विनायक के साथ राग को मिलाकर शरीर की क्रिया मेरे से होती है तो राग मेरी चीज है कि अविदित अर्था नहीं जाना है आत्मा नहीं जाना आश्रव नहीं जाना अजीव समझ में आया आते हैं जीवन अविदित प्रथम अपान जेने अपना स्वरूप क्या है जाना नहीं और आश्रव पुण्य पाप का परिणाम मैं पर को बचा सकता हूँ पर की दया पा सकता हूँ वो भी पर की पर्याय को अपना माना तो पर का एकत्व दशा है समझ में आया मैं पैसा दे सकता हूँ मैं पैसा ले सकता हूँ छोटी मानता है समझ में आया
कि स्वद्रव की सात स्वद्रव की इच्छा बुद्धि है, सब ऐसी अभिप्राय उत्पन्न होता है। दिया ने पैसा भेसा दिया, ने खोरा खाया ऐसा हुआ, प्रत्यार लिया तो निरूपता मेरे रहती है, अप्रत्यार आया लिया तो रोग हो जाता है, सब स्वर की एक बुद्धि का होता है। वलन जी, जैन अर्थ नाम पदार्थ का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप जिसमें नहीं है, भगवान आत्मा न्याय चैतन्य स्वरूप है, उसमें विकल्प की गंध नहीं, वासना नहीं, ये क्या कार्य है भाव भाव में, समझ में आया? ऐसी गंध गंध भगवान आत्मा में राग की गंध नहीं, तो शरीर ने वाणी ने परि पर कुटुमादी तो कहाँ रहा? जेने मनुष्य ने जीव जीव पदार्थ का सभी साथ न जाना बाबा, जेने मनुष्य ने जीव जीव पदार्थ का सभी यथार्थ न जाना, इनके दे विषय स्वप्न दोष है, तेने दे विषय स्व ने पर युक्ता बुद्धि, शरीर से विषय ले तो मैं लेता हूँ, समझ में आया? एक क्रिया शरीर की क्षति होती है, मेरे से होती है, इस पर का दिशा एक है बराबर। समझ में आया? बराबर। मैं झूठा बोल सकता हूँ, मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं विषय शरीर से ले सकता हूँ, ये सब बुद्धि स्वपर का एकत्र बुद्धि का आदर्श मिथ्यात्मा है। समझ में आया? अब तुमका नाम अभी जी तर्क करीने नवे तत्व नहीं भूल है, हमके बता दें बराबर, एक के तत्व को यथार्थ नहीं जाना, अपना देखूं आपका आत्मा जाने है, अपना देखूं आपका आत्मा जाने है, अपना दे अब तो समझाते हैं, हम कहो अपना दे आया ना शब्द में है, अपना दे वो खाते दूसरा दे नहीं, पर आ दे यूं ये अपना है नहीं, ये तो माटी का पिंड है, जड़ है, तो अजीब का पिंड है बराबर। कहीं अनुकूलता देखकर खुशी हो जाना, प्रतिकूल देखकर नाराज हो जाना, ये दो ही बात तो पर के दूसरा की एक तो बुद्धि है। समझ में आया? अजीव पदार्थ का जीवा शुभ यथार्थ न जाने, इन्हीं के देह विषय स्वप्न दोष है, अपना देखो आपका आत्मा माने, पर का देखो पर का आत्मा माने, पर का देह ही आत्मा है मानते है, स्त्री का दे कुटुंब लड़का का दे उसको सदा स्वरूपता ही रहती है, उसको निरूपता ही रहती है, ऐसे रहते हैं, ये आत्मा उसके मानते हैं। आया उनको आपका स्वरूप संयोग मिले उसको ही आत्मा मानते हैं, हम कहते हैं तो पर चीज है, तो उसको मिले लड़के स्त्री को तो अच्छा, तुम सुखी हो तो मेरे ठीक है कि नहीं, स्त्री सुखी हो तो हमारे सुखी, घर नो मानस है ना, कोना घर ना माना, घर में माना दूर रहता है, समझ में आया? कटवर मिट्टी रहती है, कंजोर मिलती रहती है, रांधी खबर आवे
સમજે ખાવા બે તો માખી બાકી હોય તો પંખા ઉડાડે માખી તદવર હોતી હૈ ઉડકી સગડ હે એક વાર દેખા ભાઈ યાદ કરતે થે તો ઉસકી માખી પંખો કે દાલ માં માખી ન કરે હવા તો નહીં પણ માખી બચ્યો હોય ને બે પંખો ના માખી ના થાય એ તો ઈ ધ્યાન ખાવા મારા છે ઈ ધ્યાન માખી ઉડાવે જયકુમારજી સંતી કરતા નહીં અખંડ કા રાજ ચક્રવર્તી તમારે જ્ઞાનભાઈ લિખા હે કે અખંડ નહીં હો તો અખંડ કો સાથે થે જ્ઞાનભાઈ સોગાની ભાઈ સમજ કરે ચક્રવર્તી કો અખંડ સાધને કો કહેતે હો પૈસા હે નહીં એ તો અખંડ કો સાધતે થે આયા ક્યાં લગા દે અખંડ ભગવાન અખંડ ચૈતન લોકો ગાયગા એક રીતિ બાકી અખંડ નહીં અખંડ કો સાધતે થે જી લોકો કો એસા દીખે કે આ સ્ત્રી મેં બરા આ લગ્ન કરતે આ અરે કને ખબર નહી જ્યાં રાગ સે મુક્ત હુઆ હૈ તો દેહ સે મુક્ત હૈ સારા રાગ સે મુક્ત ઉદાસીનો હમ મેં તો સબ પર પડા છે ઉદાસીન મેરી ચીજ ઉસમે હૈ નહીં સમજ મેં આયા મેરા આસન તો મેરા સ્વભાવ મેરા હૈ ખુદ આસન ઉદાસન મેરા આસન લગા હૈ ચૈતન્ય મૂર્તિ મેં ઓ મેરા આસન ને ઓ મેરા ઘર ને ઉસમે મેં લગા હું સખંડ બખંડ ચક્રવર્તી સાથે નહીં થયા મેરે બાત સમજ મેં આયા મુખમકી કી થે આયા તમને જ્ઞાન થા ભરત ચક્રવર્તી કદો પીછે કુંગ્યા નો હુઆ થા મતી સુસને અવધિ અને જાતિ સુમણ હુઆ થા વિશેષ નિર્મળતા મતી કી સુત કી અવધિ કી તીનો કી નિર્મળતા હોય વિશેષ જસા સમય હૈ એક વૈભવ માં આતે હૈ વો વર્તિક વૈભવ હૈ પુસ્તક હૈ વર્તિક વૈભવ દેખાય વર્તિક વૈભવ કોઈ કરતા કરના કોણ રત્નાકર રત્નાકર કવિ ઉસને બનાયા હૈ વર્તિક વૈભવ બહોત તથા બહોત સબ લડાઈ આયા લડાઈ કેમ આપકે હિંદુ નહીં મુકા તો ઉસકા મોસમ ના હોય તો દરિક છેદ હો ગયા તા એ જહાં સારા ક્યા હૈ દૂસરા ક્યા પુત્ર બનાયા ઉસકો હાથી તો હોંગે મોસમ કિયા ઉસકા પુસ્તક ન કિયા ધર્મ ફેર દિયા ચલી ગઈ દિલ્હી મુક્તિ મુસે આ ધર્મ દુનિયા માના પે તો તેરે ધર્મ રખના હૈ દુનિયા ન માને નિંદા કરે તેરે ધર્મ છોડના હૈ ક્યા ચીજ આયા કે હમારી પસંદગી ન કી હૈ હમારા પુસ્તક કી એસા આતા કી ક્યા છોડ દિયા તું ધર્મ છોડ અરે સારી દુનિયા છૂટ જાય વજ્રપાત હો હો પણ ભગવાન આત્મા અખંડા અનંત પ્રભુ હૈ શરીર મે રુવાતે રુવાતે અગ્નિ લોહા કી કરકે ટૂંકે તો પણ જ્ઞાની અપની દ્રષ્ટિ સે શુદ્ધ હોતા અપના સિદાનંદ સ્વભાવ મેરી આજ મેં હું મેરે મે કોઈ દૂસરી ચીજ કા અંતર પ્રવેશ હૈ નહીં ઓર મેરા ભી રાગ ઓર પર પદાર્થ મે પ્રવેશ હૈ નહીં
समझ में आया? बराबर। हाँ हाँ, युवा द्वेष में एकत्व है, समय दश में दुई में प्रवेश, अपना आत्मा राग में प्रवेश नहीं, राग का प्रवेश अपने में नहीं, तो शरीर में प्रवेश आत्मा का, शरीर आत्मा में प्रवेश हो जाए, ऐसा तीन काल तीन लोक में होता है। कहते हैं अपना देखूं आपका जाने, पर का देखूं पर का माने, ये आत्मा माने, पर ना देख स्त्री कुटुंब परिवार है नो आत्मा, ये आत्मा देश उठ जाएगा, अरे रे आत्मा मर गया, कौन मरे, समझे में आया? सूरज मरे, चंद्र मरे, क्या मरे, कौन मरे, इसकी कान मानना, कान सुनते कान होते नहीं मरे, आप हूँ कहते मर जाए किसी है मृत्यु मृत्यु पीछे वो कभी न जाए ना, तो कहते तुम्हारे हमारे आई मरे ना बल्कि रू रूटी में वो बता जाए आप लोग पैसा क्या निबंधन खबर हो हम मरे सर तो आए कि नहीं सजा वाला आ रहे आप क्या कहते हैं दो गौ आते हैं आते हैं ना इसका रुदन कौन मर गया कौन जीवे सूर्य मर गया कभी साझा सुनते हैं ना होते हैं कोई अरे सूर्य चला गया मर गया सूर्य के सर को खुशी होता है हाँ सूर्य मर गया था बदन को फिर तो ऐसा नहीं था उसमें नंग माई डाकुआ समय ज्ञान दिखी कम गमदास फूल ऐसा कराए अरे भैया सूर्य मर जाए तो क्या करेगा तो चंद्र तो है कि नहीं चंद्र मरे तो क्या करेगा तो नक्षत्र तो है कि नहीं नक्षत्र मरे तो क्या करेगा तारा है कि नहीं तारा मरे तो क्या करेगा हम तो है समझा है सुनिंग नाम दीदी का और मरे हम तो है सदा चिका अविनाशी जीवन तो ज्योत सात सत्यदानंद ज्योति ज्योत में हूँ शिकार मेरी ज्योत जीवन तो मैं कभी कोई खामी आई अभाव तो कैसे हो पर खामी आई नहीं ये मारक ऐसा है भैया पर महाराज एक लड़का हो तो आनंद हाँ एक लड़का हो तो आनंद लड़का बच्चा एक नहीं तुम्हारे लड़का हाँ हमारा लड़का नहीं नहीं लड़का 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 ही तेज हूँ समझे ये आई को हमारे बोला धाव सा गावे थे हमारे ये भी लोगों को बोलते हैं पर हम बोलता है दीजो न दीसी हो भाग नहीं करे आत्म राम बच्चों पर हमने नायक हूँ हरियाम सिंह हम चार सा दीवार चार सा दिन पूरी कथा मानते लोग हे भगवान दीकरा कौन दीकरा प्रजा तो संगत दर्शन ज्ञान चारित्र अपना दीकर प्रजा है ये प्रजा आदो दूर में मकुतना आता हूँ कूटा ही मायने आते मकुतना ये नो इन्हीं के प्रति को पड़े तो मारी मारी ना के बाप ने अभी समझा नहीं आपने क्या कहा नहीं नहीं हिंदी में तो बोलो ये लड़का विरोध हो जाए तो पिताजी को मार डाले अच्छा समझ आया जोड़ा में ऐसा बना था उसका पिता बेटे से खाते थे से और उसका लड़का ने विरोध हो गया उससे गमे थी कारण से तो तेल का कड़ाया चूल्हा पर क्या था चूल्हा उसको चूल्हा समझे तेल तेल खबर नहीं उसको क्या ऊना पानी मुकी गया मैंने बाप में ख्याल है ऊना पानी ऐसी ज्यादा वो बेचारा हम खाते थे हम तीर नड़े पड़े बाप मैंने लेवा जी गया लड़का एक हो तो जी
એને કરવાનો ભાવ કર્યો ને મારી નાખવાનો મારે ભાવ કર્યો કે નહી એને પિતા કે એમને પિતા પિતા મને નહીં હે અને અનુકૂળ આપે તો ક્યાં અનુકૂળ તો પૂર્વ પુન્ય કે કામ સે ઉસકો મિલતે તો અનુકૂળતા ક્યાં હૈ ઉસમે અનુકૂળતા હૈ ક્યાં નામ ચલતા હૈ આગે કે નામે ચલતે હૈ અજ્ઞાન કા અજ્ઞાન કા ભગવાન નામ વિનાની ચીજ પ્રભુ ઉસકો નામ ક્યાં સમજ મે આયા એસા આત્મા કા અનામી ચીજ કા નામ રખના હૈ રખડને કા મહાદુષા એ તત્વ હૈ ખુબ સંભાવે ભગવાન તીની કે પુત્ર દેખો દેખો પરકાત્મા ને તીની કે પુત્ર ઇત્યાદિ કુટુંબ વિશે મોહ મોહ તો હોય જેને હોય તે હા ક્રિયા ક્રિયા ના હાર જાને બને દેખીને તો ખુશી થઈ જાય મૂર્ખ છે મોટો કે ખુશી ઓર બેટા કર્મી જાગ્યા તુમ હો બહુ પૈસા લાતે લાખ લાખ રૂપિયા તૈદાદ મહિને મહિને બહુ બરા કર્મી જાગ્યા હું કોણ આવ્યા ચાર ગતિ ને અંજો આવી નિંદનભાઈ શું મારા દીકરો નથી હવે નથી ને તો બહુ કઈ નામ ચરાને ગોદ મે ગોદ મે લઈ લેતે હા પાંચ દો લાખ હોય ને ગોદ મેં એકતા પાંચ દો લાખ ધર્મને નામે ખર્ચે તો ફૂલ તો થાય કઈ આ તો મફત માં ના કે પાપ માં લીયા જો અદ્વૈતા એક રહે મેરા નામ ચલેગા હા મૂર્ખ ની કઈ દૂરી નિશાની હોતી હૈ મૂર્ખાઈ કે જબ જીવ જીવ કા સ્વરૂપ જાણે તબ દેખો અજી માને દેખો આ તો જડ હૈ શરીર કા હૃદય રોમે રોમ જડ હૈ સુંદર દેખે આંખ સુંદર દેખે નાક સુંદર દેખે શરીર કી સબ જડ કી પર્યા હૈ માવ સુંદર હૈ હાર કા ખડે રખ કરો ભી દેખે અને પીછા ગારા અંદર આ ગારા હૈ ગારા ક્યાં પંખ કા ગારા માવ કા ગારા ન હોય અંદર પંખ કાદવ કાદવ નો એકલા હડકા પિંજર દેખે આ હા દુર્ભાગ્ય એક સપેલા એક વર્તન મેં ઉસકા માવ કી નિકાલો એક વર્તન મેં ઉસકા આંતરડા નિકાલો એક વર્તન મેં ઉસકા હડકા નિકાલો તેનો ભર દો આ એટલી ચીરા હૈ ભગવાન પવિત્રતા નું પિંડ હૈ શરીર અશુચિતતા નું પૂરું ઘર હૈ એને અપના માનના કે સારા સંસાર કો અપના માને કે કહો એ બે કો અપના માનતે હૈ સારા સંસાર કો અપના માનતે હૈ સંસાર સે છૂટના ઉસકો નહીં બહિરાત્મા કહેતા નહીં આ બહિરાત્મા કી વ્યાખ્યા ભયા બહિરાત્મા કી વાત મુક્તિ સિવાય બંધન ક્યું હોતા હૈ ઉસકી વ્યાખ્યા હૈ અધિકાર મુક્ત કા હૈ બંધન બહિરાત્મા ક્યું હોતી હૈ એક આત્મા કો અમૂર્તિ ચેતન જાણે મેં તો રૂપ રંગ ગંધર્વ પર જ્ઞાન થી આનંદ કા નામ એ મેં આત્મા હું મેરે મેં વો નહીં ઉસમે મેં એ જ્ઞાન હૈ ભગવાન હા એક સાધારણ વાત વાત કીતે હૈ બોલને તે શાસ્ત્ર ભરને તે હું ઉસકી જાન નહીં જાતી પડે પડે તો વિકલ મોહન પડ રહે હો તો ભજ્યા ક્યાં આત્મા કી ચીજ હૈ
आई तो ये कहके देखता रहूं तो हमारी कि पर का पटा का ज्ञान मेरा है वो भी बजरात्मा है। निबंध का कारण है उसको अपना मानते हैं। समझ में आया? वो शास्त्र का पढ़ने से जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान अपना माने तो मिथ्या दृष्टि है। तो पर रखते ज्ञान बंध का कारण का ज्ञान को अपना अद्भुत स्वभाव की साथ मिलाया। समझ में आया? कैसे उसमें ये सूक्ष्म दोषाय भगवान ज्ञानानंद शिवानंद स्वरूप उसमें पर लक्ष्मी पर सत्तावलंबी लोग पर सत्तावलंबी ज्ञान को कभी मुक्त मार कहते नहीं आते हैं कहीं मुक्त मार प्रकाश में रस पूछी थे चिठी चिठी आया चिठी परमार्थवचनी का परमार्थित है न बहुत बार पड़ी गई जिस पत्मा की थी मिलती नौ जी थे गुजरात हो गया तो गुजरात कोई प्रकार नो ज्ञान ऐसा न हो के पर सत्तावलंबी शिव बनी मोक्ष मार्ग साक्षात है। साक्षात के क्या वो निमित्त है जो अपना स्वभाव का आश्रय करके अनुभव करे तो ज्ञान को निमित्त कहने में आता है। पंच का आम भान करे तो उससे होता ऐसा नहीं। समझ में आया? पर सत्तावलंबी मोक्ष मार्ग साक्षात है ऐसा है नहीं। हाँ अवस्था का प्रमाण में पर सत्तावलंब ज्ञान होता है। समझ में आया? जब लग पूर्ण वितरागता न हो तब लग ज्ञानी को भी अपना द्रव्य के आश्रय से सम्यक ज्ञान हुआ वो मोक्ष का मार्ग और उसके साथ पर सत्तावलंबी ज्ञान हुआ वो बंध का मार्ग होता है। जैन के ज्ञानी को सुभा होता है एम कहना भी व्यवहार है। ऐसे ज्ञानी को पर सत्तावलंबी ज्ञान अवस्था प्रमाण में होता है पर है बंध का कारण बराबर। आत्मा पर सत्तम ज्ञान ने परमार्था कहतो नहीं गुजराती है। धर्मात्मा सम्यक व्यक्ति अपना विनायक स्वभाव को अनुभव करके जो ज्ञान हुआ उसको ज्ञान मानते हैं। पर सत्तावलंबी ज्ञान को मोक्ष परमार्थ कहते नहीं कि परमार्थ ज्ञान ऐसा है। आप उसको परमार्थ ज्ञान मानना हो सोने पर नियता बुद्धि का विचार भाव है। स्वसत्ता भगवान चैतन्य मूर्ति प्रभु उसका आश्रय से जो ज्ञान हुआ इस स्वसत्ता का स्व में है ऐसा ज्ञान अने पर लक्ष्य जो हुआ इस पर सत्ता का ज्ञान पर में अस्तित्व है अपने में नहीं। निजघर भगवान आत्मा आनंद का स्वर्ण ज्ञान की मूर्ति उसमें आश्रय करके जो ज्ञान हुआ वो तो अपना ज्ञान मोक्ष का मार्ग का अवयव हो तो वो तो अपना में अस्तित्व में है ऐसा मानना।
और प्रकार लक्षण जो उत्पन्न हुआ कि अपना अस्तित्व में पर्याय में है ही नहीं खड़े सर। इस स्वपन का एकत्व दुर्षायु मिथ्याभाव है। क्या पर ज्ञान शोषण करिए पर सत्ता होगा उसको अपना मानना अपना अस्तित्व है टिकाल न्याय का उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी का को ज्ञान अपना मानना ऐसा एक है तो मारगड़ा है ना अंतर ना भारत के भाई आगे कोई बाहर से मिले पत्नी से मिले ऐसी चीज आचार तो सूक्ष्म ही कहना चाहिए हमारे दृष्टांत छू लिया है। हाँ समझ में आया क्या अविदित समापान आत्माएं पांचवी ज्ञान हुआ नहीं हम कहते हैं अविदित पदार्थ अविदित पदार्थ नहीं जाना है पदार्थ जिसने हम कहते हैं नया अमूर्ति चेतन अपने आत्मा को जाने अपर का आत्मा को पर जाने तब पर विषय मत नहीं हो जिसमें अपना स्वरूप न माने तो मेरा है ऐसा कहां से आया एम कहते हैं जीव भाव को अपना न माना तो वो मेरा है ऐसा उसमें आता नहीं कहते हैं जीवादि पदार्थ का स्वरूप निके जानी निके नाम बराबर जानी मोह न करना यह जनाया है भगवान कहते भाई तेरी चीज में नहीं इस चीज को अपना मानना इसको ले इसको देने को बात बताया है समझ में आया आगे कहे मोह कर्म के उदय करी मिथ्या ज्ञान में मिथ्या भाव हो साथ आगामी भविष्य में ये मनुष्य पूछा है सदे दे अच्छा हो ऐसा चाह ना रहे प्रभाव में मिले उड़े उड़े दे सारा होगा मेरे प्रभाव में भी अच्छा होगा ऐसी मिथ्या दृष्टि की भावना रहती है जिसको वर्तमान में दो में एकत्र बुद्धि है कोई भविष्य में भी एकत्र बुद्धि में पर देखो चाहते हैं मिथ्या नाने सुनो देखो भाषा हमारे मिथ्या नाने सुनो मिथ्या भावेण भाव्यो संतु मोदयेण पुनरी अंगम समन्वयम् जे मनु मोहकरम के उदय करी मिथ्या ज्ञान करी मिथ्या भाव करी लाया संसार झूठा ज्ञान झूठी कथा उसे झूठा भावना से भाया हुआ फिर आगामी जन्म विशेष अंगो दे को सम्माने सम्मान करे दे अच्छा मिला भर पर्वो में दे मिले अच्छा अज्ञानी स्वपर की एक तुम्हारी वाला भविष्य का दे को सम्मान करते हैं समझ में आया जन्मना वो कलंक है अज्ञानी जन्मने में जे मिले उसको सम्मान के है मिथ्या दशा है समझ में आया आते हैं ना योग कर्म कर्म जनक जन्मों पर जन्म भगवान आत्मा जहाँ राजना अंश पर जीतने नहीं
उसको आज शरीर का लोचा अन्न प्राप्त हो कलम। अज्ञानी है इसमें सम्मान करते हैं, आप सूक्ष्म में अभिप्राय कराते हो, मोक्ष अधिकार है नहीं बराबर साधने के लिए ही तो बिल्कुल साधन साधन कैसा राज साधन नहीं तो शरीर साधन कैसा शरीर राज्यम करो धर्म साधनम आते हैं ही नहीं साधन मेरा वही तो लगा दी तो शरीर ठीक है मन नहीं फूटती रहे मन नहीं फूटती रहे तो ज्ञान यथार्थ हो जाए भूलमय हो जाए तेरा आत्मा का चैतन विग्रह शरीर अंदर में दृष्टि दे तो निरुग्ध हो जाए। हाँ कहते हैं मोह कर्म के उदय के मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या भाव करी भाया संता फिर आगामी जन्म में अंकु होंग होंग अधूर होंग अच्छा मिला भाव। देखो सन्मान है भला मानता है मोह कर्म की प्रकृति जो मिथ्या ताकि उदय करी ज्ञान भी मिथ्या हो प्रकृति में जोड़ा करने से कर्म से नहीं पर द्रव को अपना जाने इस मिथ्या से ही करी मिथ्या सिद्धांत हो ताकि निरंतर परद्रव से मन भावना रखियो। ज्ञानी अपना द्रव पर से बिन मानते है तो अपना द्रव की भावना रहती है, अज्ञानी पर को अपना मानते है तो जिसको अपना माने उसकी वृद्धि करने चाहते है। समझ में आया निरंतर परविषय भावना रहे ये मेरे सदा प्राप्त हो लड़का भी ऐसे रहो साकार हो साकार हो साकार है उसके उसके झड़के हो तुम। समझ में आया बोल रहे शरीर को ठीक रहो बराबर साबुन डॉक्टर गए रुपया का साबुन जान लो जो जान को नहीं करूंगी माता नो पागल जैसा देखा है उन्मत उन्मत हो नौ पहले बैठो नौ हुआ हो जो नहीं भगवान भूखनी चेष्टा गर्मी है भगवान हाँ आचार बाहर में चीजों अपना जिसको मानते है ये ठीक रहे ऐसी बुद्धि प्रॉपर का एक तो चिंता है अने उसकी भावना वो रहती है ठीक रहा ठीक रहा आया तो यहाँ प्राणी आगामी देह को भला जानता है वह शरीर की सारी व्यवस्था जोर से फिरता फिरता नहीं शरीर की चेष्टा कौन छोड़े निकल फिर छुटे टुकड़े का ना गंदगी के कौन कर सकते है आया इतना हुआ कौन न हुआ अंदर होना चाहिए यहाँ तो जरी यहाँ तो जिसको राग को भी अपना माने तो राग की भावना रहे तो राग बधे तो ठीक बधे तो ठीक है बधे जिसको अपना माने उसकी वृद्धि का है दयादान का विकल्प मेरा ऐसे माने दयादान विकल्प बहुत बहुत ठीक ये सब इकत्व तो बुद्धि मिथ्या के है आपकी
कौनू ध्यान रखे, कौन ध्यान रखे, कौनू पर सही से सही तो सदाई थे ना, जड़ पड़े सदाई थे, सदाई थे ज्ञानी नाथ मुझे ध्यान रखे हर को नहीं रहे तो उसकी पर्याय को माने रहेगा बराबर समझ में आया। ध्यान रखे तो रहेगा तो मिथ्या दुखी एक तो बुद्धि है कहते हैं सूक्ष्म एक तो बुद्धि क्या है होती है बहिरात्मा की बंधन को बात करते हैं। समझ में आया सदन निराला भगवान उसका संग का संग क्या रात का भी संग नहीं तो शरीर का संग था ऐसे संग मानकर उसकी भावना रहे कि वो मेरी चीज है तो ठीक है तो ठीक ये मानता निचार है कि प्राणी आगामी देखो भला जानता है लोग अरे उसके अनुकूल मुनि कैसा है धर्मात्मा कैसा है देखो मुनि देव विषय निरपेक्ष है देखो नायिका है यानी मौत न करे तो निर्वाण पाने वो संसार में रख रहे और निर्वाण जो देह निरवेखो निनंदो निमो निरारंभो आर सावे सुरो जुई सुनई निवाण टीका करना तो मेरे सुना कर तो टीका एवं आचार है ना यदि मिलना सूत्र टीका कर जो योगी ज्ञानी मुनि देवी से निरपक्ष है ये कोई धर्मात्मा अपना देह नहीं मानते मैं तो चैतन्य विग्रह देह हूँ चैतन्य शरीर हूँ मेरे में तो राग ही नहीं तो शरीर तो कहाँ आया देह को ना ही चाहे उदासीन है निर्द्वंद है द्वंद नहीं राग बैठता अनुकूलता में राग ने प्रतिकूलता में द्वेष निजात भाव समझ में आया आज चीज अनुकूल है ऐसे मानकर राग हुआ वो निजात भाव है कोई चीज अनुकूल है ही नहीं चीज तो ज्ञेय है जानने लायक नहीं मां दो भाग पार दिया एक ठीक नहीं ठीक तो निजात भाव पार दिया है समझ में आया निर्द्वंद राग शिक्षा अनिष्ट मान्य द्वेष इच्छा अनिष्ट मान्य रही है अनिष्ट मानता तो रही है निर्मम तो देहादि विषय है मेरा ऐसी बुद्धि से रही है निरारंभ है देह के अर्थ है या लौकिक प्रयोजन के अर्थ है आरंभ से रही मुनि तो आरंभ से रही है इसके मत इस आर मनाया तो उनसे जीते नहीं चौका बना करता वो भी मुनि है नहीं निरारंभ ही मुनि समझ में आया ध्यान लग गया देखो एक अपना नहीं मानते ना अपना आत्मा का पान है वो तो कहते हैं इसका आरंभ भी अपने में होते मैं उत्तर से समझी नहीं मुनि निरारंभ ही और आत्म स्वभाव शरत है देखो मुनि समकीर्ति से आई बात करते हैं पर हम मुनि उत्तर से बात करते हैं आत्म विषय आत्म स्वभाव चैतन्य मूर्ति में लीन है निरंतर स्वभाव की भावना से वो अज्ञानी पर नहीं भावना करते थे राग हो तो ठीक शरीर हो तो ठीक पर हो तो ठीक जिसको अपना मानते ही ठीक ज्ञानी अपना आत्मा का स्वभाव तो उसकी भावना करते हैं मैं एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्राप्त करूं अंतर एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्राप्त करो ऐसी भावना करनी की है मुनि निर्वाण को पाने एक मुक्ति को पाना मुख मार्ग है मुख प्रावर्तन बहिरात्मा के भाव को छोड़ी
अतरा अंतरात्मा हो तुमको कहीं पर तुमको संक्षेप परमात्मा में लीन हो तो मुझ पावे के उपदेश जनाया लो। अरे तुमकी व्याख्या करते संक्षेप में बात थोड़ी निर्वाण अभी पाते हैं पाते हैं निर्वाण पाने उसकी बात आई कैसे मुड़ती अभी निर्माण है आज संन्यास दर्शन हुआ तो मुक्ति शुरुआत हो गई तो समय में आया राग से मुक्त स्वभाव से एकत्व मुक्ति हुई सही मुक्त आवे समय मुक्त ही वो आते हैं कवच में आते हैं कवच में आते हैं संन्यास दृष्टि मुक्त ही वो मिथ्याति संसार में संकीर्ति मुक्ति राग मात्र से जहाँ भिन्न पड़ गया स्वभाव तो अबंध है तो अबंध स्वभाव का भान हुआ तो मुक्ति हो गई ए मुक्त आत्मा दृष्टि में आया मुक्ति हो गई पर्याय में थोड़ी मुक्ति बाकी है वो कर्म सब होगी समझ में आया संन्यास दर्शन की चीज क्या है काम से नहीं बताया किसी ने समझावे विचार दृष्टि ने समझावे सम्यक दृष्टि मुक्त है देश है निरपेक्ष है सब शब्द उसको लागू करते हैं निर्दंड है अनुकूल प्रतिकूल नाराग्य नहीं करते नहीं वो निर्मम है पर मेरा मानते नहीं निरारंभ है राग का आरंभ से रही चैतन्य मूर्ति में दृष्टि है ज्ञानी के जाने का भाई और अज्ञानी के लिए क्या करेंगे अज्ञानी ने क्या भाई अज्ञानी करते अज्ञान करते हैं दूर होने का उपाय समझा जो राग है तो राग में कौन प्रकार का राग नहीं कोई पर राग लाभकार है नहीं क्या ठीक है ना बस में क्या राग से अपना आत्मा को भिन्न करना वो साधन कर्म परम भी तरह राग चुप रहे तारे चुप रहे इसी चीज है नहीं ना तो संकीति के लिए निर्वाण गए उसको नहीं चाहे मुनि नहीं चाहे आई देव नहीं चाहते भाव अज्ञानी का होना चाहिए अज्ञानी देह को चाहते हैं राग को चाहते हैं अज्ञानी है ज्ञानी को देह की चाहना नहीं विकल्प आते हैं पर विकल्प का विकल्प प्रेम नहीं राग का राग नहीं ऐसी बात है सदन धर्मी जीव तो आत्मा विकल्प शुभ राग उसे भी भिन्न करके उसकी भावना नहीं करते हैं जो राग की भावना करे तो दृष्टि मिथ्या है संयम दृष्टि अपना न्याय भाव की भावना करते हैं ऐसी बात है जो माजे खुलासा करते हैं देखो तो तीर मिगाता ये माजे खुलासा करते हैं स्वद्रव ने पंद्रह बस बेर बात लाभ किसका साधक भाव का इसका लाभ है नहीं कोई राग फल का लाभ है नहीं राग तो डर है दुख है यही बात है भाई लोग को ऐसे कहते हैं शुभ से पहले सावधान से तो शुभ मापन किसको जिसको शुभ शुभ राग की रुचि छुटकर अनुभव आत्मा का हुआ है उसको पीछे अव्रत का भाव छोड़कर व्रत का विकल्प आता है ऐसी बात यही बात जो एक टूका मत बंद कारण मुक्त का कारण का संक्षेप रूप आगम में वचन है देखो आगम का वचन टूका में टूका थोड़ा में थोड़ा पर दबो बजई आ शब्द का पर दब रो बजई विरो मुटे विव्य कमे ऐसा जीव उपदेश हो
समाप्त दो बंद मुकट। भगवान त्रिलोकनाथ शंकरदेव का संक्षेप में यही उद्देश्य है बंद मुक्ति का, कि जो जी पृथ्वी से रति रागी की अनेक प्रकार का कर्म ने बांधे। देखो एक कोई पर प्राणी राग परद्रव है, ये परद्रव में जिसको प्रीति है ये मिथ्या से बंधन करते हैं। पर दबाओ रहो बजई मोक्ष अधिकार है, पर दबाओ रहो बजई राग परद्रव है उसमें रति करते हैं मिथ्या से बनते हैं। ऐसा धनवरना उपदेश है। देखो है वीरो मुझसे विविकमी परद्रव से विरत है, राग ने विकल निमित्त से विरत है, वो मुक्ति को पाते हैं। बहुत संक्षेप माता स्वद्रव आश्रय मुक्ति, स्वद्रव आश्रय बंध। चाहे तो भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा हो पर परद्रव का लक्ष्य आया राग है, राग बंध का कारण है। धनल जी है कि नहीं, उसमें देखो गाथा है कि नहीं। पर दब रव बज महासिद्धांत से परिणाम बंधु मुखो जीव शासन लिखी थी पावन हवि असंग पूर्ण अशेषं सभी परिणाम परिणाम आओ बंधु मुखो जीव शासन लिखो। बस बस भाव पावर की एक तो सो भाव पावर सो एक से सोलह परिणाम से बंधन है, परिणाम से मुक्ति भगवान मा शास्त्र का है। बराबर समझ आया तू लिखा है जी वो देखो है यहाँ अपने एक तो फिर आई फिर गाथन वितराग का उपदेश बारंग में ऐसा आया है कि परद्रव रोग गई अपना द्रव सिवाय कोई परद्रव हो वीर भगवान हो पर उसका लक्ष्य करने से तो रागे उत्पन्न होता है। समझ में आया अनेक प्रकार के कर्म बन रहे, कर्मी का बंद करे मिथ्यात्मा बंद करे परद्रव निमिष विरत है। जिसको परद्रव का प्रेम नहीं अपना द्रव का अनुभव दृष्टि में रुचि में प्रेम है मुक्त होता है। बहुत सूखा में संक्षेप होता है। देखो समास रूप समासत यह बंद का है मोक्ष संक्षेप करी जिनदेव का उद्देश्य है। चाहे तो त्रिलोक ना नाथ समूह शरण में विराजते हो उसकी पूजा अनेक बार किया सुना है तुम्हें ज्ञान जी का नाते मणि रत्न ना दीवा कल्प वृक्ष ना फूल त्रिलोक ना नाथ स्थाने विराजे समूह शरण में जय भगवान ऐसी आरती पूजा अनंत में किया सुनो तो शुभ भाव पद्रव के आश्रय शुभ भाव है बंध का कारण है। तुम्हें ज्ञान जी का दिया है रंगदास अनंत वार समण में जाकर धीरा की थड़ी मणि रत्न का दीवा कल्पवृक्ष का फूल
कहते हैं उपद्रव के आश्रय तो रागी होता है, बंधन होता है। हम कहते हैं जिनवर का संक्षेप उपदेश आ आया है। आया वीरो मुटे एक सिद्धांत पर द्रव का लग छोड़कर चिदानंद आत्मा में रक्त होते हैं, पर से विरक्त होते हैं, अपने में रक्त पर से विरक्त मुक्ति को पाते हैं। इसी लगता